लगभग 270 पृष्ठ की एक ऐसी पांडुलिपि जो अपने आप में कई रहस्य को लपेटे हुए है, वायोनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस पुस्तक को लिखा किसने, लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति की सहायता से इस बात का खुलासा हुआ है कि यह पुस्तक सन 1404 ईस्वी से लेकर सन 1438 ईस्वी के बीच में लिखी गई होगी। वायोनिच मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमय हस्तलिखित पुस्तक या पांडुलिपि के तौर पर जाना जाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे फार्माकोपिया के तौर पर तैयार किया गया है, जिससे उस जमाने के यानी मध्ययुगीन चिकित्सकीय विषयों के बारे में बताया जा सके। इतिहास में थोड़ा पीछे जाने पर हमें पता चलता है कि 1912 में एक पोलिश बुक डीलर विल्फ्रिड वायोनिच को पुरानी किताब की एक दुकान पर यह मिली और उन्होंने इसे खरीद लिया। उन्हीं के नाम पर इसे वायोनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसके कुछ पृष्ठ गायब भी हैं। लगभग 240 पृष्ठ उपलब्ध हैं इस पुस्तक के, जिसमें अक्षरों को बाएं से दाएं लिखा गया है। ये पुस्तक जिस लिपि में लिखी गई है उसे आज तक न तो समझा जा सका है और न ही पढ़ा जा सका है। चूंकि रहस्य सुलझाया नहीं जा सका, इसलिए इसके बारे में अलग अलग थ्योरी दुनिया के सामने आ चुकी है। कोई इसे कभी गुप्त रहस्यमय समूह का कोड बताता है, तो कोई इसे दूसरे ग्रह से आने वाले एलियंस की रचना कृति बताता है। कुछ तो इसे विश्व विख्यात इटालियन चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के बचपन में की गई रचना मानते थे, और कुछ लोग इसे एक तरह का धोखा बताते हैं जिसे यूं ही उलझाने के लिए बनाकर छोड़ दिया गया था। पूरी किताब में अलग अलग तरह की रंग बिरंगी कलाकृतियां व अजीबोगरीब रेखाचित्र भरे पड़े हैं। इसके अलावा इस पुस्तक के पन्नों में जिस तरह के पौधों को दिखाया गया है, वैसा शायद ही इस धरती पर देखने को मिले। 1969 में हैंस पी क्रॉस ने इसे येल विश्वविद्यालय को दान में दे दिया था, जहां आज भी इसे MS 408 यानी मैन्युस्क्रिप्ट 408 के नाम से खोजा जा सकता है। 18 जिल्दों में लगभग सैकड़ों चर्म पत्रों पर लिखी गई इस पुस्तक पर कई विशेषज्ञों ने अनुसंधान किया है। पुस्तक में अंकित पृष्ठ संख्या में अलग अलग जगहों पर आए अंतराल को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में किसी समय इस पुस्तक में 20 जिल्दों में लगभग 272 पृष्ठ रहे होंगे, जिनमें से कुछ अब गायब हो चुके हैं। पुस्तक के पृष्ठों की प्रोटीन टेस्टिंग से ये पता चला है कि पृष्ठ गाय के शावक यानी बछड़े के चर्म से बने थे। ये चर्म पत्र पहले बनाए गए, बाद में इन पर मोर पंख की कलम से लिखा गया। कुछ चर्म पत्र असामान्य रूप से मोटे हैं, जैसे पृष्ठ संख्या 42 और 47 के चर्म पत्र। बकरे के चमड़े से हुई जिल्द साजी और पुस्तक के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर हुए छिद्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में कभी इस पुस्तक पर लकड़ी या किसी कठोर धातु का कवर चढ़ा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पुस्तक पर कई जगहों पर हुई चित्रकारी और रेखा चित्रों पर आज के अत्याधुनिक तरीकों से अनुसंधान करने पर पता चला है कि ये चित्र एक विशेष प्रकार की स्याही से तैयार किए गए होंगे। ये बैंगनी काले रंग की स्याही शाक सब्जियों और पौधों से प्राप्त लौह तत्व को टेनिन एसिड के तरल में मिलाकर तैयार की जाती है। इस प्रकार से स्याही बनाने की पद्धति यूरोप में 5वीं से 19वीं शताब्दी तक प्रचलित थी, यद्यपि ये किसी न किसी रूप में आज भी अस्तित्व में है। अब इस पुस्तक की गुत्थी सुलझाने का दावा एक ब्रिटिश विद्वान ने किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटफोर्ड शायर के प्रोफेसर स्टीफन बैक्स ने दावा किया है कि उन्होंने वायोनिच मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रोफेसर बैंक्स ने बताया कि उन्होंने इस पुस्तक के 14 शब्दों को डिकोड करने और पढ़ने में सफलता हासिल कर ली है। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द उन्होंने बताए जो धनिया, कुटकी और हपुशा आदि के लिए पुस्तक में प्रयुक्त हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने उस पुस्तक के तारों और नक्षत्रों वाले अध्याय में वृष राशि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचान लिया है। प्रोफेसर बैंक्स ने बताया कि हो सकता है कि इस पांडुलिपि को पूरी तरह से पढ़ने और समझने में कुछ समय लग जाए, लेकिन वो और उनकी टीम इसके लिए तैयार है। उनके अनुसार शायद ये पुस्तक प्रकृति के ऊपर कोई आलेख हो जो किसी पूर्वी या एशियन भाषा से मिलती जुलती भाषा में लिखी गई हो। कुछ भी हो,
लेकिन उनकी रिसर्च टीम की इस सफलता के बाद एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि यह पुस्तक कोई धोखा या फ्रॉड नहीं है, बल्कि लगभग 600 साल पहले लिखी गई एक वास्तविक कृति है जो आज भी रहस्य के धुंध में छाए बादलों में घूमड़ रही है।